Hi friends, this is your car guru Varun, and today I'm going to review Tata Nexon XL Plus at 7000 plus kilometers. Let's take you through what has happened in these 23 months. Come. As you all know, the Nexon has been the best selling compact SUV till now. It has beaten the car market for its rivals like Vitara Brezza, Jeep Compass, not really Jeep Compass, but Brezza XUV 300 and all. And let me tell you, the plastic work here in 23 months is as it was when it came new in my hands. But yes, if I talk about the doors, there has been a kind of noise in the window gauge. In the windows, this has gone down. Yes, I nahi tha jab mila tha meko, but yes, in 23 months of drive at 7000 kilometers, so these are the things that are going down day by day. And maine Tata se baat ki, they are like, sir, ki wo chalne se aisa ho gaya hai, but I don't believe that it's the plastic quality that they have used. Talk about A pillar. This has been a problem all the while driving on the hills, because it covers the views when you take a sharp turn. If I talk about steering, the quality of steering has been a bit patchy. So I drive like my finger is here, so the quality has gone down. So talking about plastic inside over this music system, I don't know. मुझे फील होता है कि ये थोड़ी और बेटर हो सकती थी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये क्रैक्स आने शुरू हो गए हैं. एंड टाटा इज लाइक कि ये पूरा का पूरा पैनल चेंज होगा, बट आई डोंट वांट कि गाड़ी खोलें तो मैं ये चेंज नहीं करवा रहा हूँ. ये प्लास्टिक भी आप देखें तो पूरा अप डाउन होने लग गया है. ठीक है, ये एसी वेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो एसी वेंट्स टाटा की क्वालिटी काफ़ी ख़राब है इसकी नेक्सॉन में. ये एटलीस्ट मेरी गाड़ी में तीन बार चेंज हो चुके हैं, पूरा का पूरा पैनल जो ये है ये तीन बार चेंज हुआ है. अगर मैं आपको इसकी कैमरा क्वालिटी दिखाऊं, अगर यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कैमरा में, सो बहुत ही पैची सा कैमरा है, क्वालिटी बिल्कुल भी साफ़ नहीं है. ये दिन में 2 बजे का व्यू है इस टाइम, बट इफ़ यू सी बहुत ही बेकार सा लग रहा है. अगर इसके ही कंपैरिजन में अगर मैं XUV 300 की बात करूं तो 300 का काफ़ी अच्छा कैमरा है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है. यहाँ पे अगर आप देखें, अगर मैं गाड़ी चलाते चलाते इसको बैक करूंगा तो आपको फील होगा कि यहाँ पे ये हैंग कर रहा है, क्योंकि वो एग्जैक्ट टर्न्स पे वो उतना शो नहीं कर पाता. सो ये कुछ क्वालिटीज़ हैं जो मैं कहूँगा कि टाटा सुधार सकता है अपनी अपकमिंग जो इनका अपकमिंग मॉडल है नेक्सॉन का. अपकमिंग मॉडल में इनफैक्ट जो अभी प्रेजेंट मॉडल भी है उसमें भी ये जो स्क्रीन इंच है ये बढ़ के 7 इंचेस का हो गया है 6.5 से. आपका जो यहाँ पे पार्किंग लाइट्स हैं एंड डीफॉगर है जो आपका पिछला वो नहीं है नई वाली में. यहाँ पे आपका बटन जो है ऊपर शिफ्ट हो गया है. एसी की जो बटन्स हैं ये वाले, ये थोड़े से पैची हैं, थोड़े से हार्ड हैं, ये थोड़े बेटर हो सकते थे. अगर आप इंजन की आवाज़ सुने तो, अगर मैं आपको सुनाऊं एसी की, बंद कर देते हैं एसी की के लिए, अगर आप रेविक की आवाज़ सुनेंगे तो आपको एक बहुत ही गर्र की आवाज़ सुनेंगे जो नहीं आनी चाहिए. So, इस चीज़ के लिए मैंने टाटा से बात की है. दे आर सेइंग कि विल अपडेट द सॉफ्टवेयर, बट मुझे नहीं लगता सॉफ्टवेयर से कुछ ज़्यादा खास होने वाला है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी ग्लोव बॉक्स. इनका ये ग्लोव बॉक्स काफ़ी अच्छा था स्टार्टिंग में. अब सामान रखने के बाद 2 साल के बाद जो क्वालिटी है यहाँ पे काफ़ी फूल सी गई है. पता नहीं क्या है, बट टाटा इज़ नॉट अग्रींग कि ये फॉल्ट है. अगर मैं यहाँ पे अम्ब्रेला जगह की बात करूँ, यहाँ पे भी काफ़ी प्लास्टिक लूज होता जा रहा है डे बाई डे. सो ये प्लास्टिक की क्वालिटी के बारे में है. अगर मैं यहाँ इंजन की बात करूँ तो ये गाड़ी का एक तरीके से हार्ट है, बट अगर मैं यहाँ बैटरी की बात करता हूँ तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि जो आपके नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स हैं आज भी उतने ही इंटैक्ट है जितने पहले थे. मतलब ये आपकी सर्विसेज पे डिपेंड करता है कि गाड़ी की आप सर्विसिंग कितनी करवाते हैं, टाइम टू टाइम करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं. अगर मैं आपकी ऑयलिंग की यहाँ बात करता हूँ इंजन की, तो ये आपका 15000 टाटा बोलता है कि 15000 पे आपको चेंज करवा लेना चाहिए इंजन ऑयल. बट मेरी सजेशन एज एक्सपीरियंस मैं कहूँगा कि आप 12000 या 10000 पे चेंज करवा लेंगे तो गाड़ी की लाइफ ज़्यादा बढ़ जाएगी.
अगर मैं यहाँ पे आपके सस्पेंशन की बात करूँ, जो ड्यूल पाथ सस्पेंशन है आपका, ये थोड़ा सा अगर मैं बम्पी रोड्स पे जाता हूँ तो मुझे फील होता है कि लूज होना शुरू हो गया है, बट अगर आपकी राइड सिर्फ प्लेन्स की है और आप हिल्स पे कम जाते हैं तो आपको इतना फर्क और इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बट डेफिनेटली मैं आपको कहूँगा कि आप इसकी जो गॉजेज हैं एंड गैस पाइप्स हैं उन पर आप डेफिनेटली रेगुलर चेक रखें, क्योंकि टाटा का ये नया इंजन था, ये इनका पहली बार इस प्लेटफॉर्म पे इन्होंने ये निकाला था जो कि काफ़ी सक्सेसफुल हुआ है। एंड इनका जो अपग्रेडेड वर्जन आ रहा है टाटा नेक्सॉन का 2020 में, उसमें दे हैव चेंज इट, दे आर ऑल्सो कमिंग विद द इलेक्ट्रिक वर्जन ऑफ दिस कार, बट आई डोंट नो वो कितनी सक्सेसफुल होगी नहीं होगी क्योंकि इंडिया में अभी तक हमारे पास उसके प्लान्स नहीं है। कमिंग बैक टू द ग्रिल्स एंड द लाइट्स, सर्दियों में आपको ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी, अगर आप हिल्स में इस पर ज़्यादा जाते हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर के कारण, और आपने अगर गाड़ी में लाइट्स बाहर से लगवाई हैं या फिर उसमें थोड़ा सा काम करवाया है लाइट्स में बाहर का बाहर से, तो डेफिनेटली यहाँ पे मॉइस्चर पैचेस आने शुरू हो जाएंगे, बट वो तभी आएंगे अगर आपकी लाइट में कहीं पे क्रैक है या फिर जो इसका पिछला वर्जन है, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको तो यहाँ पे कैप आती है, उस कैप में अगर गैप आ जाता है तो डेफिनेटली आपकी यहाँ पे मॉइस्चर आना शुरू हो जाएगा। फॉग लाइट्स की अगर मैं बात करूँ तो ये उतने इम्पैक्टफुल नहीं है अगर मैं विंटर्स में इसको ड्राइव करता हूँ या फिर इसको चलाता हूँ तो मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ता रोड पे, मतलब थोड़े से नीचे हो सकते थे, इसकी क्वालिटी थोड़ी सी बेटर हो सकती थी। मैंने लाइट्स इनफैक्ट यहाँ पे HID लगवाई हुई है, फिर भी जो ग्लास की क्वालिटी है वो इतनी अच्छी यहाँ पे यूज़ नहीं की गई है। अगर मैं आपको यहाँ पे रेडिएटर की ग्रिल की बात करता हूँ तो रेडिएटर की ग्रिल में थोड़ा सा इम्पैक्ट ज़रूर पड़ता है अगर आप हिल्स में जाते हैं। यहाँ पे मुझे जो फील हुआ है वो ये है कि थोड़ी सी भी इसकी हाइट अच्छी होती है और इसका टायर का रेडियस थोड़ा सा बढ़ा देते हैं या हाइट बढ़ा देते हैं तो डेफिनेटली इसका काफ़ी फर्क आता है। अगर मैं आपको यहाँ पे टायर्स दिखाऊँ तो ये जो टायर है मेरा, मैंने आज तक अभी तक फर्स्ट चेंज नहीं करवाया है। एंड अगर इसकी ग्रिप यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ तो ग्रिप आज भी एटलीस्ट 5000 किलोमीटर्स और चल जाएंगे टायर्स, और ये वही टायर्स हैं जो गाड़ी के साथ एक्चुअल में आए थे, मैंने अभी तक इन पर कोई चेंज नहीं करवाया है। रीज़न बीइंग मैंने इनकी रोटेशन टाइम टू टाइम करवाई है इसीलिए ये 70,000 किलोमीटर्स चल गए हैं। बट अगर आप गाड़ी की और लाइफ चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा 50-55,000 किलोमीटर्स पे इन्हें चेंज करवा दें। और यहाँ पे अगर मैं बैग इस रोड की बात करूँ तो आपको दो पॉइंट्स मिल जाते हैं यहाँ पे, बट ये इतने इफेक्टिव नहीं है समर स्पेशली डेली हीट में, ये कुछ ना काम नहीं करते हैं। आई होप कि इन्होंने जो नया वर्जन निकाला है उसमें ये शेल्स को एसी कर दें, जो रूमर्स थे वहाँ यही है कि निकालेगा बैक एसी। आज करूँ बैक सीट की, जो कि मैं बहुत रेयर बैठता हूँ अपनी गाड़ी में, बहुत अजीब भी लग रहा है मुझे खैर पीछे बैठना, बट ये सीट जो है ये पूरी मेरी ड्राइविंग कैपेसिटी के हिसाब से है, मेरे पोस्चर के हिसाब से है, एंड आई एम 6'1" टू बी प्रिसाइज। तो यहाँ पे जो लेग रूम है आपका वो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है, ये बिल्कुल टच हो रही है आपकी जो नीज है, बिल्कुल बैक सीट के साथ टच हो रही है। थाई रूम काफ़ी अच्छा है, थोड़ा सा और कंफर्टेबल हो सकता था, बट हाँ, और टू बी वेरी प्रिसाइज नेक्सॉन ने एक चीज़ बहुत अच्छी दी है, वो है आपका बैक सपोर्ट। बैक सपोर्ट के लिए नेक्सॉन बेस्ट है, यहाँ पे आपको जो लोअर बैक है आपकी, आपको कभी पेन नहीं करेगी पीछे बैठ के। थोड़ा सा मेरी हाइट जैसे वाले लोगों के लिए यहाँ पे आपका जो हेडरूम के साथ जो नेक सपोर्ट है वो आपको नहीं मिल पाता, जैसे क्योंकि आपकी हाइट बिल्कुल आपकी रूफ के साथ टच होगी, तो बम्पी रोड्स पे इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ तो अगर कोई बम्प आता है आप 80+ स्पीड पे हो तो डेफिनेटली पीछे वाले का सर यहाँ पे बचेगा। यहाँ पे दो बंदों के लिए कंफर्टेबल स्पेस है, बट अगर थर्ड पर्सन यहाँ बैठता है तो, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो ये जो पोर्शन है यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ काफ़ी पीछे तक रखी है, ये यहाँ पे थोड़ा सा इसको अगर फ्लैट कर देते थोड़ा सा उठाने के बजाय तो थर्ड पर्सन के लिए काफ़ी कंफर्टेबल हो जाती। सो कमिंग टू एन एंड, आई वुड रेट दिस कार 8/10। बीइंग द टॉप मोस्ट वर्जन ऑफ द लॉट, if you are a working employee or if you are a businessman, I would suggest this as a complete family car in terms of safety. But yes, Tata could have done it a little bit more, and I am hoping that the new version is much more fun and with lots and lots of changes in this. Thank you guys for watching this video.
If you like the video, please subscribe to our channel CarGuru with Varun Kapoor. Please share, mention your comments, give your feedback so that we can improve day by day. And keep watching CarGuru for more reviews. Thank you.